तीनों फोन्स में आपको अल्ट्रा एचडी की सेटिंग्स मिलती है, एक है 50,000 का फोन और एक है 25,000 का। तो क्या आपको Redmi Note 13 Pro से दुगना दाम पे करके iQOO 12 लेना चाहिए या नहीं, इस वीडियो में बताऊंगा। बैटरी दोनों में 100% है। फ्रंट से देख सकते हो दोनों फोन्स का डिजाइन काफी ज्यादा सिमिलर है, पर बैक से आपको एक में गोरिल्ला ग्लास, स्टेनलेस स्टील और एक में आपको प्लास्टिक और एल्युमिनियम। ऑब्वियसली इसका प्राइस ज्यादा है तो थोड़ा प्रीमियम फील होता है। सारे रिसेंट ऐप हमने क्लियर कर दिए, जल्दी से VGMI ओपन करते हैं, देखते हैं स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 जीतेगा या फिर 8 Gen 3। सिर्फ 4 सेकंड से लेट हो गया Redmi Note 13 Pro। iQOO 12 में स्मूथ में 90 FPS, Redmi में एक्सट्रीम पे है, दोनों में अल्ट्रा HD है दोस्तों। टाइमर स्टार्ट कर लिया, बट जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखोगे वो iQOO 12 की होगी। आधे घंटे बाद में Redmi Note 13 Pro की फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाऊंगा। तो मॉन्स्टर मोड एक्टिवेट कर रखा है और इसमें काफी सारे ई स्पोर्ट्स के मोड है, क्विक सुपर रेजोल्यूशन भी है, उसके साथ साथ गेम फ्रेम इंटरपोलेशन जिससे FPS बढ़ता है आपका। देखो मैं बता रहा हूं दोस्तों, मैं अभी दोनों फोन्स में लगातार गेमिंग कर रहा हूं, बट जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखोगे वो iQOO 12 की होगी। आधे घंटे बाद में Redmi Note 13 Pro की फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाऊंगा, बट दोनों में गेम जो है साथ ही साथ में खेल रहा हूँ दोस्तों। मॉन्स्टर मोड एक्टिवेट कर रखा है और इसमें काफी सारे ई स्पोर्ट्स के मोड है, क्विक सुपर रेजोल्यूशन भी है, उसके साथ साथ गेम फ्रेम इंटरपोलेशन जिससे FPS बढ़ता है आपका। अभी देख सकते हो 40 FPS के आसपास आ रहा है। भाई साहब कितने बंदे आए हैं, हल्का हल्का हीटिंग फील हो रही है ये मेटल पे। दोस्तों इसका 4D हैप्टिक्स बहुत ज्यादा अच्छा है। दोस्तों आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है, अब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख रहे हैं Redmi Note 13 Pro की और देख सकते हो 80 FPS दिखा रहा है, जबकि अल्ट्रा HD जो है 40 FPS तक ही जाता है। पुश करो पुश करो, जल्दी पुश करो, ऊपर है। एक और सेटिंग से Redmi में गेम टर्बो करके, तो इसमें परफॉर्मेंस मोड मैंने इनहेंस कर दिया है। तो यहाँ पर जो है 60 FPS के पास दिखा रहा है 57, बट अल्ट्रा HD पे अल्ट्रा पे आपको 40 FPS ही आता है, फिर एक्सट्रीम पे 60 होता है, बट पता नहीं इसमें भी 60 दिखा रहा है। दोस्तों Redmi में एक फीचर है यहाँ पर देख सकते हो वॉइस चेंजर, तो मैं आपको सारी वॉइस थोड़ा जल्दी से सुना देता हूँ। तो यस दिखाएगा कुछ सैंपल्स आपको, अभी आप सुन सकते हैं नॉर्मल आवाज है। अब सुनो, हेलो 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 हेलो। तो अगर आपको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने पबजी पे तो लड़के वाली आवाज कर लो। दोस्तों इसी के साथ एक घंटा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। iQOO 12 में 89%, Redmi में 81%, टेम्परेचर iQOO 12 में देख सकते हो 27 चला गया, Redmi में 30 तक टेम्परेचर चला गया है, बट iQOO 12 में गेम खेलते टाइम साइड में हीटिंग फील हो रही थी। ध्यान से सुनना मेरी बात, तो अगर आप जैसे स्टूडेंट हो एक नया फोन लेना चाह रहे हो जिसमें अच्छी खासी आप गेमिंग कर लो, तो डेफिनेटली उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप Note 13 Pro आराम से ले सकते हो। अल्ट्रा HD पे इसने निराश नहीं किया, 40 FPS ही आ रहा था बट इसने 60 कभी 80 तो कुछ भी शो हो रहा था, बट हाँ एक्चुअल FPS जो है वो 40 है तो उतना दे रहा था, मुझे लैग देखने को नहीं मिला। ठीक है, गेम प्ले काफी अच्छा हुआ, फ्रेम ड्रॉप्स जरा भी नहीं हुए, काफी अच्छी गेम प्ले इसने कराई। तो अगर आप एक 25 से 30 हजार का फोन देख रहे हो या फिर 40 तक भी देख रहे हो गेमिंग के लिए, तो आप अपने पैसे बचा के इसको ले सकते हो। बट अगर आपके पास पैसे भर भर के हैं, पैसों में अंधे हो चुके हो, समझ नहीं आ रहा पैसा कहां उड़ा है, तो ऑब्वियसली आप iQOO 12 पे जा सकते हो। बट हाँ देखो इसका जो है डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छा है, उसकी वजह से कलर रिप्रोडक्शन काफी अच्छे निकल के आते हैं कंपेयर टू Redmi Note 13 Pro। प्रीमियम एक्सपीरियंस आप चाह रहे हो तो डेफिनेटली इस फोन को ले सकते हो, कोई बुराई इसमें है नहीं। बट अगर आप थोड़े पैसे अपने सेव करके खून पसीने के कमाई को बचाना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आप Note 13 Pro को ले सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।